भाजपा और कांग्रेस अब पूरी तरह से आमने सामने हैं। दोनों तरफ से वार हो रहे हैं। नगर निगम का चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से दहक रहा है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चार्जशीट निकाली तो भाजपा ने इस चार्जशीट को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। इसके बदले में भाजपा अपनी वर्कशीट लेकर लोगों के सामने आई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद और पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन ने बाकायदा मीडिया के सामने इस चार्जशीट को फाड़ा। साथ ही कहा कि इस तरह की बोगस चार्जशीट लाने का नाटक करने की जगह कांग्रेस को अपने गरेबा में झांकना चाहिए। वहीं अपनी वर्कशीट में भाजपा ने अपनी उपलब्धियों का जमकर गुणगान किया है। पार्टी का दावा है कि शहर में 2 नए अस्पताल बनवाए गए हैं, MBBS की सीटें 50 से बढ़ाकर 200 करवा दी गई हैं और 11 नए सरकारी स्मार्ट स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस वर्कशीट में गिनवाई हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।